एक और बड़ी खबर आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें। जो बड़ी खबर वो ये कि एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है, हालात बहुत गंभीर हैं और 10 दिन बाद और एक बार फिर आपने सामने आई हैं दोनों सेनाएं और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर है। दोनों सेनाएं भारत और चीन की एक बार फिर आमने सामने आई। भारतीय पोस्ट तक आए पेट्रोलिंग करते हुए चीनी जवान। भारत के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, वार्निंग शॉट्स फायर कर पीएलए के जवानों को वहां से भगाया, जिसके बाद पीएलए बौखलाया हुआ है, चीनी सरकार बौखलाई हुई है। उनका जो प्रवक्ता बना हुआ है ग्लोबल टाइम्स, उसकी तरफ से भी लगातार इसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि भारतीय जवानों ने एलएसी पार करने की कोशिश की है, भारतीय जवानों की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की है। हमारे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, इसी पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें हमें बताएंगे। बिल्कुल, 10 बड़ी बातें, वो इसलिए क्योंकि 10 दिनों के अंदर करीब करीब क्या कुछ 10 बड़ी बातें हुई है सुमेरा, और ये भी जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्या हुआ है। भारत चीन के सैनिकों के बीच गोलीबारी, ये बहुत सालों में 4 से 5 दशक के बाद ये हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में गोलीबारी, यानी आपस में जो एक्सचेंज फायर हुआ है, ये वार्निंग शॉट्स थे भले ही, लेकिन ये होना ही अपने आप में बड़ी बात है। और 40 साल बाद एलएसी पर हुई फायरिंग, और इसके बाद एक और कि चीन का दावा भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार की, हालांकि ये चीन लगातार कह रहा है, चीन प्रोवोकिंग स्टेटमेंट लगातार दे रहा है, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा इसको नकारा गया। शेनपाओ पहाड़ के इलाके में घुसे भारतीय सैनिक, हालांकि ये चीन का नाम है, शेनपाओ चीन की तरफ से कहा जाता है, भारत इसको अलग नाम से बुलाता है। और ग्लोबल टाइम चीन के एक जो सरकारी मीडिया है, चीन ने जवाबी कार्रवाई की, ये उनका दावा है। लगातार चीन ये दावा कह रहा है कि भारत ने ये किया है। पैंगोनसो इलाके में फायरिंग के बाद तनाव, ये साउथ पैंगोनसो का इलाका है, यानी नॉर्थ फिंगर एरिया और साउथ यानी चुशूल का एरिया, ये वहां पर पूरी घटना हुई है कल। और चीनी हिमाकत पर भारत ने वार्निंग शॉट्स फायर किए, ये प्रोटोकॉल पिछले 10 दिनों में बदला। क्यों बदला? क्योंकि चीन अग्रेसिव हो रहा था, भारत ने जो अपनी पोस्टिंग की, अपनी जो पोजिशन की, उसके बाद ये बदला है। चीनी प्रोपोगेंडा पर भारत की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना ने अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है सुमेरा, और ये लगातार प्रोपोगेंडा चीन की तरफ से किया जा रहा है। चीनी प्रोपोगेंडा पर भारत की अभी तक, लगातार मैं बता रहा हूँ, कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। रूस में विदेश मंत्री जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री में हो सकती है बात। अभी रक्षा मंत्री की बातचीत हुई थी मॉस्को के अंदर जब एससीओ समिट थी, और अब एमईए लेवल पर दोबारा से बातचीत हो सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊं, हर लेवल पर बातचीत हो रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है पिछले 10 दिनों में, और एमईए के लेवल पर भी, लेकिन बदला कुछ नहीं। चीन बातचीत कर रहा है लेकिन अग्रेसिव पोस्टरिंग भी कर रहा है। ये 10 बड़ी बातें हमारे दर्शकों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि चीन के हालातों पर या फिर इस बॉर्डर के टेंशन के ऊपर आप ये मान के चलिए कि चीन कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, और ये 10 बातें उसको साफ तौर पर दर्शाती हैं। लेकिन सुमित, अब चीन जो कह रहा है, जो कर रहा है और उसमें जो अंतर है, उसमें उसको जवाब भी मिल रहा है, उसको भरपूर और माकूल जवाब मिल रहा है, और इसी से चीन की बौखलाहट भी सामने जाहिर हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।